यही समय है जो कि मिलते मिल रहे हैं। अच्छा, अरे तो चुनाव के बाद फिर किसको कौन खोजना है? इसका चल गया बीजेपी में, अब फिर बीजेपी से फिर बदल के यहाँ है इसमें, इनका क्या वैल्यू हम लोग करेंगे? तो फेंका फेंको वही बात करते हैं, अभी तो अनेक किस्म के लोग आ रहे हैं आ जा रहे हैं। बिहार में राजनीति और चुनाव पे जो विश्लेषण है वो सबसे ज्यादा चाय की टपरी पे होता है, और इसीलिए अभी हम चाय की टपरी पे बैठे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो इसी गांव के हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के तुर्की के सकड़ी गांव में मौजूद हैं, बगल में NH 22 गुजरती है और यहाँ पे चाय की टपरी है। हमारे साथ हम चाहेंगे अपने सहयोगियों से कि एक बार आपको दिखाएं कि कई सारे यहाँ पे बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हैं और ये लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे थे, इसलिए क्योंकि कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से मिलकर बातचीत की जाए कि कुढ़नी विधानसभा में इस बार किसकी लहर है और किन मुद्दों पर ये लोग चुनाव करेंगे। ये लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में दर्जनों भर विधानसभा के चुनाव देखे हैं, लोकसभा के चुनाव देखे हैं, तमाम ये लोग बातें कर रहे थे। अब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। चाय पर चर्चा, चाय पीते पीते चर्चा कर रहे हैं चुनाव पे, क्या लग रहा है इस बार कुढ़नी में क्या माहौल है? माहौल तो अनेक किस्म का है, कितने पार्टी है, पार्टी लोग खड़े हैं, अब इसी तरह से चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, कैसे देखते हैं आप इस उपचुनाव को? 2020 में भी चुनाव हुआ था, 2 साल बाद फिर से चुनाव हो रहा है, विधायक चुनने का मौका मिल रहा है, इस सब मौका मिल रहा है, तब तो पर्चा बट रहा है, हम लोगों को पर्चा मिलता है, मिलता है, मिलता है। अच्छा, कैसा आप लोग प्रत्याशी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसे काम किया जाए, कैसा प्रत्याशी खोजते हैं आप लोग? विकासशील होना चाहिए, विकासशील, ताकि क्षेत्र में काम करे कुछ। तो क्या लगता है कि जो जीत के जाता है, आपका विधायक बनता है, वो क्षेत्र में आता है दोबारा, आपसे मिलता है? कहाँ से, यही समय है जो कि मिल रहे हैं। अच्छा, अरे तो चुनाव के बाद फिर किसको कौन खोजना है? चुनाव के बाद खोजबे नहीं करते, खोजबे नहीं करते। अच्छा, दरवाजे पर भी जाए तो कोई पूछबे नहीं करता, जा आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या काम है, कोई पूछबे नहीं करता है, कोई विधायक नहीं पूछता है, वैसा ही चल रहा है। फिर लोग फेंका फेंक वही बात करते हैं, अभी तो अनेक किस्म के लोग आ रहे हैं आ जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा चुनाव में आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं वो लोग? वही वोट देने के लिए, हम ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, सब लोग अपना अपना विधि बता विधान बताते हैं। अच्छा, कुढ़नी में एक बार चचा फिर से चुनाव है, पता है आप लोगों को? हाँ, इस बार है, है ना? तो कौन कौन प्रत्याशी है मैदान में? इधर में मनोज जी है, एगो मुझे कि बाजार के एगो केदार बाबू है। अच्छा, और इसी तरह से दो तीन आदमी है खड़ा। अच्छा, एक चीज बताइए चचा कि दोनों आदमी पहले विधायक रह चुके हैं, कौन बढ़िया काम किया था आप लोग के लिए? अरे मौके की बात है, जो पहुंच गए उनका काम हो गया तो बढ़िया बात है, और न हुआ तो नफरत हुआ, यही बात है। लेकिन क्षेत्र में विकास हुआ आपका? अरे कुछ रोड वोड बना है, सब देख रहे हैं। कौन बनवाया, कुशवाहा जी की गुप्ता जी? दोनों पार्टी, दोनों पार्टी, दोनों तंगा तंगा बना है। क्या नाम है चाचा आपका? ब्रजनंदन राय। ब्रजनंदन राय, आपका क्या नाम है चाचा? चंदेश्वर राम। चंदेश्वर राम, अच्छा। चुनाव है आपके विधानसभा में, उपचुनाव है, कौन कौन प्रत्याशी है मालूम है? क्या कौन कौन प्रत्याशी है चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ केदार गुप्ता है। अच्छा, और मनोज कुशवाहा है, दोनों पार्टी से है। कौन कौन प्रचार करने आपके पास आए हैं, वोट मांगने कौन कौन आए? वोट तो दोनों आदमी मांगने आता है, वोट तो दोनों आदमी मांगने के, दोनों आए हैं, दोनों क्या बोले हैं दोनों अपने अपने तरफ? क्या बोलेंगे, वोट दीजिएगा आप, ठीक है वोट देंगे तो हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, विकास के काम करेंगे, तो क्या किए हैं नीतीश, ये तीन दो बार से जीत गए हैं मनोज कुशवाहा, लेकिन गांव का कोई विकास के काम नहीं। मनोज कुशवाहा जीते तो कोई विकास नहीं, कोई किए नहीं। अच्छा, केदार गुप्ता? केदार गुप्ता तो अपना पोखरी उखड़ी खनवाया, उन्होंने बनवाया है ही। अच्छा, तो लगभग अंदाज ठीक है उनका, केदार गुप्ता का। हाँ, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर पहले नीतीश कुमार जो है वो पहले बीजेपी के साथ थे, अब लालू नीतीश एक साथ हो गए हैं, बीजेपी अलग अलग? पहले था वो लालू जी के साथ थे, वो पहले नीतीश कुमार, इसका चल गया बीजेपी में, अब फिर बीजेपी से फिर बदल के यहाँ है इसमें, तो इनका क्या वैल्यू हम लोग करेंगे? अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जी बार बार पलटी मारते हैं, इसलिए आप लोग वैल्यू नहीं करते? तो पलटने का मुख्यमंत्री पलटी मारता है क्या, तोड़ के उसमें घुसे और उसमें से जोड़ के, तो उनको एक रास्ता पर रहना चाहिए। एक रास्ता पे किसको, मुख्यमंत्री जी को? हाँ। अच्छा, मतलब वो बार बार जो पलटते हैं तो ये आप लोग को ठीक नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, देश पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो मतलब आप भरोसा करेंगे उनपे? हाँ। चलिए, भारत पर प्रभाव पड़ता है,
ये कुरहली प्रखंड पर प्रभाव पड़ेगा, हर पर प्रभाव पड़िए रहा है, तो इसीलिए आप लोग नाराज है कि बार बार पलटी मार लेते हैं। हाँ हाँ, क्या कहेंगे आप लोग मुख्यमंत्री जी को? कुछ भी नहीं कहेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा वही करेंगे। हमारे तो भाई मोटू भाई, हम इनके पास आएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? टूना पासवान। टूना पासवान, आप खूब जोर जोर से एकदम राजनीति पे चर्चा कर रहे थे, हम गुजर रहे थे, तो क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में फिर से चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि कह जाते हैं यहाँ के फलना पलना नौकरी देंगे, हाँ उसी के नौकरी नहीं मिलता है, कहता है घर बना देते, इंदिरा आवास नहीं है, अब एक फ्लैट बनेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ के फ्लैट कहें अगर बनेगा बाहरी मोदी फ्लैट, तो यहाँ के लड़का चंडौती के लड़का एक जगह वहाँ रहेगा कि जहाँ पर गाँव है वही पर हम इंदिरा आवास मिलना चाहिए, कि यहाँ के लड़का जाएगा रामदयाल हुआ कुरहनी। तो क्या लगता है कौन प्रत्याशी आप लोग के लिए काम करेगा जो आपका मांग है? इंदिरा आवास यहाँ पर है तहाँ घर है तहाँ पर मिलेगा, तब भैया यहाँ ठीक है, तो जैसे यहाँ के लड़का पढ़ रहा है उसको घर मिलेगा रामदयालु में, एक फ्लैट बन के एक घर उसको मिलेगा। एक घर बोला कि फ्लैट बना के देंगे मोदी सरकार ने, कि फ्लैट ले लिए कि अब हम अपने नाम से फ्लैट बना बना के गरीब सबके देंगे। नहीं नहीं, आपके क्षेत्र में जो उपचुनाव है तो केदार गुप्ता भी यहाँ से विधायक रहे हैं, मनोज कुशवाहा भी विधायक रहे हैं, इस बार मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं, नीलाभ कुमार, तो क्या लग रहा है कौन बढ़िया है? अभी कैसे नहीं, अभी निर्णय नहीं हुआ है, अब निर्णय तीन चार दिन बचा हुआ है, अपने खुद निर्णय हो जाएगा, एक बाद पार्टी अपने अपने जहाँ पर है तहाँ पर चल जाएगा। अच्छा, आप लोग चिराग पासवान को मानते हैं? अभी ये कोनो पासवान के नहीं मानते हैं, तो पहले हम लोग में गुड्डू नहीं बनेगा, एक रास्ता नहीं है इकलेगा। अच्छा, मतलब तो पूरा गांव वाला मिलकर एक साथ मतलब रणनीति बनाते हैं किसको वोट देना है? हाँ, उस सब गाँव वाला बनाएगा तहाँ हम लोग वोट देंगे। क्या लग रहा है आप गाँव इस बार किधर ढूलेगा? देखिए गाँव ढूलेगा अभी दो तरफ, और केदार गुप्ता मनोज कुशवाहा, बस दो के यहाँ धारा अभी ज्यादा चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए चाचा, दोनों यहाँ से विधायक रहे हैं, आप लोग के क्षेत्र में आप लोग के लिए कौन सबसे ज्यादा बढ़िया काम किया? दोनों एक ही काम कर रहा है, जैसे ये किए हैं तैसे वो किए हैं, दोनों बराबरी है, बराबरी पर टक्कर एकदम लड़ाई का। हाँ, टक्कर दोनों में लड़ाई पर है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब अखिल नहीं बता देंगे। अच्छा, आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दा आपके दिमाग में होगा कि विधायक जीतेगा तो हमारे लिए ये करवा देगा या वो करवा देगा? तो अपना समाज के साथ गुड बनाएगा, वही हिसाब से ना चलना पड़ेगा। आप अपने मन में भी सोचोगे ना कि ये विकास सोचे हुए हैं, तो ये दिल के हाल अपने के कैसे अखनी बता दे, जले गुड हम लोग के न होगा, एक नियुक्ति न होगा, तो हम कैसे वोट किसी को बता देंगे? अच्छा, रोजगार भी मुद्दा रहेगा कि आप लोग के लिए, आपके जो बेटा पोता आपके? रोजगार नहीं है यहाँ, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ, कमाइए खाइए, कोई किसी का कहने वाला नहीं है ना पूछने वाला है। प्रत्याशी जब आते हैं वोट मांगने तो क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या बोलते हैं? कहते हैं मकान बना देंगे, नौकरी देंगे, इतना वृद्धा पेंशन देंगे। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा कुछ के उसे मतलब ही नहीं है, सरकार देगा तब देंगे, हम कहाँ से दे, अपना घर से दे दे। मतलब चुनाव जीतने के बाद वो लोग अपना बात बदल देते हैं, साफे बदल देते हैं। मुलाकात तो पता है विधायक जी से? कभी कभी होता है, साल में एक बार जरूर हो जाता है। साल में एक बार होता है? अभी चुनाव प्रचार में सप्ताह में कई बार हो जाता है? आखिरी दो बार तीन बार अभी आएगा डेली के सप्ताह में। मौका इतना लंबा टाना है, कभी एक गाँव में कभी उस गाँव में गए, वही में लोग बुला लेते हैं। अच्छा, प्रेशर आदमी हम छोड़ दीजिए। तब चाचा क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बनेगा? आप ठीक है, जो माहौल जो होगा सो होगा, लेकिन हम लोग जो वही हम तो चलिए अभी हमारे साथ कुछ इस गांव के बुजुर्ग थे, सकड़ी गांव के बुजुर्ग थे, इन लोगों ने कहा है कि ये लोग अपने गांव वालों के साथ पहले बैठेंगे फिर निर्णय लेंगे कि किसे समर्थन देना है। इन्होंने कहा है, कुछ लोगों ने कहा इसमें से कि दोनों विधायकों ने पहले अच्छा काम किया है, दोनों में टक्कर की लड़ाई है, तो कुछ का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद तो विधायक जी नज़र ही नहीं आते हैं, चुनाव लड़ने के वक्त में वो आते हैं और कहते हैं मकान देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और चुनाव जीतने के बाद वे लोग क्षेत्र में नज़र तक नहीं आते हैं और ना ही उनके घर पर जाने पर किसी फरियादी की मुलाकात होती है। वैसे में इन लोगों ने कहा है कि अपने समाज के साथ बैठेंगे, अपने गांव में बैठेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे कि इस बार वोट किसे देना है, और जब कुटनी विधानसभा में चुनाव होने के बाद मतगणना होगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि यहाँ का रन जो है वो कौन से प्रत्याशी ने जीता है। हमारे साथ बने रहें, अनिकेत कुमार, बिहार तक, मुजफ्फरपुर।